साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। आज लखनऊ में 11 बजे बीजेपी की बैठक होगी। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संगठन की समीक्षा करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। संगठन के सभी विभाग प्रकोष्ठों की बैठक होगी। सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, निकाय चुनाव नजदीक है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज संगठन की बैठक करने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बेबी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर अहम बैठक रखेंगे। उस अहम बैठक में जो बीजेपी के तमाम प्रकोष्ठ हैं, उन प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी रहने की बात कही जा रही है। साथ ही आपको बता दें, चाहे बात की जाए अति पिछड़ा मोर्चा, चाहे बात की जाए व्यापारी मोर्चा, जो सभी मोर्चे हैं, सभी मोर्चों के तमाम पदाधिकारी आज प्रदेश कार्यालय पे जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करेंगे। अब साफ तौर पे अगर देखें तो ये बैठक जो साल के अंत में निकाय चुनाव है, साथ ही इसे सेमी लोकसभा चुनाव के फाइनल चुनाव की तौर पे देखा जा रहा है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव हो उसके लिए बैठक की जाएगी। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह चौधरी तमाम पदाधिकारियों को गुरु मंत्र देंगे, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है। साथ ही साथ उन्होंने अगर देखें तो तमाम पदों पे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और वहीं आपको बताएं कि अगर देखें हाल फिलहाल में तो भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं उसके विरोध में तमाम जो विपक्षी दल है वो पद यात्रा किए जा रहे हैं। चाहे बात की जाए तो केंद्र की सरकार के विपक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो सुभाषपा जो उत्तर प्रदेश में उसकी तरफ से सावधान रैली की जा रही है। और वहीं अगर देखें तो कल अखिलेश यादव की तरफ से पार्टी कार्यालय, जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है, वहां से निकलकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चूक नहीं करना चाहती है, अब चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां जोरों शोरों से है। वहीं एक अहम चुनौती होगी भूपेंद्र सिंह चौधरी के लिए, क्योंकि जो देश का सबसे बड़ा सूबा है के 80 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौती का विषय होगा भूपेंद्र सिंह चौधरी के लिए कि 80 सीटों में से वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। और साथ ही साथ अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री का कुर्सी होता है उसकी चाबी उत्तर प्रदेश से होके जाती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी दमखम लगाकर और सभी प्रकोष्ठों को उचित निर्देश देंगे आज। और साथ ही साथ निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते भूपेंद्र सिंह चौधरी। अब बात करें चुनौती की तो भारतीय जनता पार्टी का हाल ही में अगर देखें तो पंचायत चुनाव में रिजल्ट सही नहीं था, तो कहीं ना कहीं अब उसे फिर से वो दोहराए ना जाए। साथ ही अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो उसके घटक दल है उनकी सीटों में घटोतरी हुई थी, तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सावधान है कि आखिर आगामी चुनाव में हम कैसे विरोधियों को शिकस्त करेंगे और उचित जो एक कहा जाए तो एक गुड मार्जिन के जीत हासिल करेंगे, इसके पूरी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। वहीं 11 बजे से बैठक होगी, 3 दौर में ये बैठक होगी। अब धीरे धीरे सभी प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार 2.0 आती है तो उसमें देखा यह जाता है कि संगठन के तमाम पदाधिकारियों को मंत्रिमंडल में रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जगह खाली है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक पद पर अगर देखें तो बस एक ही पद पे रह सकता है, या फिर संगठन या फिर सरकार, तो ऐसे देखें तो लगभग 6 सीटें खाली हैं। तो उन सभी सीटों पर जो नए पदाधिकारी हैं उसके भी चयन की बात की जाएगी। जी मयूरी जी, विभांशु, इस बैठक में जैसे किसान मोर्चा, ओबीसी, तमाम मुद्दों पर बात होगी, और कौन से मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी?
जी कहीं ना कहीं देखें तो अभी जो विपक्ष है वो महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों पर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां अलग अलग मोर्चों के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के तौर डालने का काम करते हैं, साथ ही साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, तो उन्हें भी निर्देश दिया जा सकता है। साथ ही अगर देखें तो बीजेपी के 64 प्रकोष्ठ हैं, तो 64 प्रकोष्ठ में से जो प्रमुख प्रकोष्ठ हैं, उन सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो व्यापार मंडल से समेत जो अति पिछड़ा मोर्चा है, चाहे बात की जाए तो श्रम कल्याण मोर्चा है, चाहे बात की जाए तो किसान मोर्चा है, चाहे किन्नर कल्याण मोर्चा है, ऐसे महिला मोर्चा है, ऐसे तमाम मोर्चाओं के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक में जो निकाय चुनाव है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, और जो साल के अंत में निकाय चुनाव है उसको मजबूती से कैसे लड़े, साथ ही साथ खासकर ग्रामीण इलाकों में अगर देखें तो पार्टी सिंबल का कोई मायना नहीं रहता है, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे उन्हें उतारने का काम जिलाध्यक्ष और तमाम जो मंडल के पदाधिकारी होंगे उनको देगी, और पूरे विधानसभा के तर्ज पर इस बार निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। जी विवांशु, क्या ये बैठक 2024 के चुनाव को देखते हुए भी की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक दल 2024 के चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां अपने तेज कर दी है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, वो देखें तो निकाय चुनाव और साथ ही साथ 2024 के चुनाव को साधते हुए ये बैठक का दौर किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जो प्रदेश अध्यक्ष है नव नियुक्त भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो पहली दफा संगठन के जो सभी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, और कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती है कि आखिर हम कैसे पहले से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में करा सके, और उसके लिए तमाम उनको चुनौती भी है क्योंकि वो संगठन से काफी पुराने व्यक्ति हैं, और उनके लिए चुनौती होगी कि कैसे वो बेहतर ला सके, क्योंकि अगर देखें तो हाल फिलहाल में जो देश के अंदर में महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए विपक्षी दल नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों को सरकार को जो जनता के बीच संवाद है और जो विश्वास है उसको बरकरार रखने के लिए ये बैठक की जा रही है, और ये एक चुनौती होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 2024 के चुनाव में परिणाम में क्या नतीजे आते हैं, और निकाय चुनाव भी साल के अंत में है, जल्द ही तिथियां भी घोषित कर दी जाएंगी, और नगर विकास मंत्री AK शर्मा की तरफ से लगातार बैठक किया जा रहा है, इससे आशंकाएं लगाई जा रही है कि जल्द ही निकाय चुनाव की जो तिथियां है उसकी भी घोषणा की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां निकाय चुनाव में पार्टी सिंबल पे इस बार पार्षद, सभासद और तमाम पदाधिकारी जो चुनाव में मैदान में होंगे वो पार्टी सिंबल पे लड़ेंगे, और किसके पक्ष में आता है इस बार का निकाय चुनाव वो साल के अंत में जब उसकी तिथियां होंगी, चुनाव होगा, तो रिजल्ट के समय पता चलेगा। जी जी विभांशु, ये भी माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ नेताओं की भी एंट्री हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आपको मैंने बताया कि जब सरकार बनी थी योगी सरकार 2.0 जो यूपी में रिपीट हुई थी लगभग 27 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं जो तमाम पदों पर लोग थे, चाहे बात की जाए तो JPS राठौर की, चाहे बात की जाए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, तो अगर देखें तो प्रदेश अध्यक्ष की सीटों को छोड़कर तमाम संगठन के पदों पर अगर देखें तो तमाम नेता अभी खाली है, वो सीट रिक्त है, तो कहीं ना कहीं अभी देखें भारतीय जनता पार्टी उसकी भी चयन कर रही है, और दिल्ली दरबार से कहीं ना कहीं इसका चयन होगा, इसमें प्रदेश अध्यक्ष की एक हामी होगी। अब प्रदेश अध्यक्ष इस तमाम मुद्दों पर बात करके जो खाली पद है भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों पर उस पर नियुक्ति की जाएगी, और इसकी चयन प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। वहीं अगर देखें तो अभी सरकार के जो केंद्र सरकार के काम है, साथ ही साथ राज्य सरकार के 6 महीने के काम है, उसपे भी लोगों के बीच जाके संवाद और विकास की जो बातें होती हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो जाके लोगों से संवाद करके और लोगों को बताएंगे कि आखिर 6 महीने क्या किया और केंद्र सरकार ने अब तक क्या काम किया केंद्र के देश के अंदर में। जी जी विवांशु, भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों में से 75 सीटों पर जीत निर्धारित करने और लक्ष्य की बात कह रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों में से वो शुरुआत से ही जो तमाम पदाधिकारी हैं
वो तमाम आरोप लगाते हुए 80 सीट में से वो दावा कर रहे हैं कि 75 सीट इस बार हम 2024 के चुनाव में निकालेंगे। तब देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनाव जिसे सेमीफाइनल के तौर पे देखा जाता है तो उसपे उसमें क्या अनुमान आते, क्या रिजल्ट आता है। और 2024 के चुनाव में जहां विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर, तो इन सभी मुद्दों पर घेरते हुए जो जनता का क्या रुख होता है वो 2024 चुनाव में नजर आएगा। मगर अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो सरकार को घेरने में पूरी तरह से सफल हो रहा है विपक्ष, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सरकार का जो जगाने का काम, कल जहां समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, तब देखने वाली बात ये होगी कि इस तमाम प्रदर्शन जहां प्रदेश के तमाम पार्टियां रीजनल पार्टियां वहीं केंद्र की पार्टियों का जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है। वहीं अगर बात की जाए जब भी ऐसा होता है तो प्रदर्शन ऐसा कुछ ऐसे कृत्य विपक्ष की तरफ से किए जाते हैं तो तमाम जिम्मेदार जो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं वो मीडिया से रूबरू होकर उसका कड़ा जवाब देते हैं। और आज माना यह जा रहा है कि जय भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कल के प्रदर्शन था उस पर भी जवाब देंगे। जी जी धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर 3 शव मिले, जहां पर 2 वर्षीय बेटे और 4 वर्षीय बेटी के गले पर धारदार हथियार के निशान पाए गए। वह दोनों बच्चों की मां का फांसी से फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शवों को कब्जे में लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि ये घटना शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के कुकहा रामपुर गांव की है। संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर 3 शव मिले, जहां पर 2 वर्षीय बेटे और 4 वर्षीय बेटी के गले पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। वहीं पर दोनों बच्चों की मां का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शवों को कब्जे में लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि ये घटना शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के कुकहा रामपुर गांव की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद हमसे जुड़ेंगे। अरविंद, अमेठी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, घर के अंदर 3 शव बरामद हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुकहा रामगंज का ये बड़ी घटना आई है, जहाँ पर अस्थिर परिस्थितियों में एक घर के अंदर 3 शव मिले हैं। शव मिलने से पूरी एरिया में सनसनी फैली हुई है, जहां पर आपको बता दें कि 2 वर्ष का एक बच्चा और 4 वर्ष की एक बच्ची का शव मिला है, जिसके गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया है और गले पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, और मां को का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। जी मयूरी, धन्यवाद अरविंद तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।